हेलो एवरीवन, आज मैं बिल्कुल नई तरह के पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी एकदम ज़बरदस्त है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तेलंगाना की फेमस दावत वाली राइस, यानी कि पघाड़ा राइस। अगर आप भी एक ही तरह के स्वाद वाली पुलाव खा के बोर हो गए हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल नए स्वाद की ये पघाड़ा राइस। स्वाद पुलाव से बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हम चावल को धो के रख लेते हैं। बघाड़ा राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कटोरी चावल लिया है। ये सोना मंसूरी चावल है, आप इसकी जगह बासमती चावल भी ले सकते हैं। आज हम बघाड़ा राइस कुकर में बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब कुकर गर्म हो जाए तब हम उसमें 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसी के साथ 1/2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद थोड़े खड़े गरम मसाले, साथ में जीरा और तेज़पत्ता भी डाल देंगे। अब इन सबको खुशबू आने तक थोड़ा पका लेंगे। खड़े मसाले से अच्छी खुशबू आने लग जाए तब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, उसको डाल देंगे और उसको गुलाबी होने तक थोड़ा भून लेंगे। जब गुलाबी हो जाए तब हम उसमें एक हरी मिर्च, जिसको कि मैंने बीच से काट लिया है, उसको डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इन दोनों को अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का किनारा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अब हम इसी स्टेज में 1/2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसको कुछ सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे। अदरक लहसुन थोड़ी भुन चुकी है, अब इसी स्टेज में हम इसमें पुदीने पत्ते डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 मुट्ठी पुदीना का पत्ता लिया है, लगभग 30 से 40 पुदीने के पत्ते। पुदीना पत्ता डालने के बाद इसको कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेते हैं ताकि पुदीने का फ्लेवर चावल में अच्छे से निकल गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके पानी डाल देंगे। मैंने 1.5 कटोरी चावल ली थी तो 3 कटोरी के लगभग मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक और 1 मुट्ठी के करीब बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। एक सीटी लग चुकी है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। कुकर से सारा प्रेशर रिलीज हो गया है। चलिए अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बघाड़ा राइस। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये बघाड़ा राइस की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। फ्रेंड्स, बघाड़ा राइस वैसे तो नॉनवेज के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, पर इसे आप पनीर के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।